हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यह वीडियो एक काल्पनिक खबर पर आधारित है। इसका मकसद केवल हास्य व्यंग्य, स्वस्थ मनोरंजन और राजनीतिक कटाक्ष करना है, किसी की मानहानि करना नहीं। बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मोदी जी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाकर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया जाए। गौरतलब है कि मार्गदर्शक मंडल को खुद मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बनाया था। इसका मुख्य कारण था बीजेपी के पुराने और बुजुर्ग सदस्यों जैसे कि अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को पार्टी से साइडलाइन करना। बीजेपी 2014 में जब बहुमत से लोकसभा चुनाव जीती तो अडवाणी या और किसी पुराने सदस्य की जगह मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जरूरी था इन पुराने लोगों को पार्टी से बाहर करना। लेकिन अगर मोदी जी सीधे सीधे इन्हें पार्टी से निष्कासित कर देते तो यह मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए चालाक और दुष्ट मोदी ने यह नया तरीका खोजा जिससे इन पुराने लोगों से मुक्ति भी मिल जाए और लोगों को लगेगा कि उन्हें पार्टी में मार्गदर्शन लेने की जैसी महत्वपूर्ण कार्य करने को दिया है। लेकिन अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बने पूरे 2 साल हो चुके हैं और विकास के नाम पर मोदी जी ने देश को दिया है बाबा जी का ठुल्लू। और ऊपर से हिम्मत तो देखिए मोदी जी की, पूरे 1000 करोड़ फूंक डाले 2 साल का जश्न मनाने के नाम पर। तो मोदी जी की इन नाकामियों को देखते हुए बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल ने अब उनको भी अपने मंडल में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। खुद अडवाणी जी के अनुसार मोदी जी भी अब एक बूढ़े और लंगड़े घोड़े के जैसे हो गए हैं जो किसी काम का नहीं रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि वे अब देश का और बेवकूफ़ बनाना बंद करें और चुपचाप से मार्गदर्शक मंडल में आकर आने वाले नए लोगों का मार्गदर्शन करें, जैसे कि पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।